श्री हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम 31 मार्च 2018 शनिवार को रात्रि 8 बजे से बूढ़े बालाजी मंदिर के पास शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक हैं सुनील मालवीय एवं मित्र मंडल विधानसभा क्षेत्र गुना। सुनील मालवीय ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीजाना न्यूज में शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। आज देश भर में मनाया गया गुड फ्राइडे, इसी के उपलक्ष में आज विभिन्न चर्चों में अलग अलग तरह के विशेष पूजा अर्चना भी की गई। ईसाई समुदाय के लोगों ने इन प्रार्थना सभाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी चर्चों में ईसा मसीह के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में भी बातचीत की गई, साथ ही उनके बताए हुए रास्तों पर चलने की अपील भी की गई। 15-28 में और 22 में इस तरह पूजा करेंगे, अपराधियों की संख्या है। और आप और मैं और हम सब जानते हैं कि वो निर्दोष था और वहाँ के लोग भी जानते थे, वहाँ के शास्त्री कैशी प्लाटून सब जानते थे कि ये निर्दोष है। किसी के पास ये प्रमाण नहीं था कि इसने चक्कू घोंप के एक भी व्यक्ति को मार दिया या किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया या किसी को। यीशु मसीह के द्वारा बोली गई उन 7 वाणियों के ऊपर मनन किया जा रहा है और इसमें प्रथम वाणी हे पिता इन क्षमा कर, जिसके बारे में विवेचना रजिस्टर जी के द्वारा की गई। दूसरी वाणी आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, उसके बारे में विवेचना कमल कौप के द्वारा की गई। तीसरी वाणी हे नारी तेरा ये पुत्र है, इसके बारे में विवेचना समूल पॉल के द्वारा की गई। अले लमा चौथी वाणी, इसके बारे में विवेचना निर्मला कौक के द्वारा की गई। और पांचवी वाणी मैं प्यासा हूँ, इसके बारे में विवेचना मिस्टर चोखीलाल रॉबर्ट के द्वारा की गई है। और छठी वाणी पूरा हुआ, इसके बारे में विवेचना मिस्टर खालको के द्वारा की गई। और सातवीं वाणी है पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसके बारे में विवेचना पास्टर मैकलिन के द्वारा सेंट पीटर ये चर्च के अंदर की गई। इस उपलक्ष्य में सारे समुदाय के सारे लोग चर्च के अंदर उपस्थित हैं और बड़ी श्रद्धा आदर भाव के साथ में उसके इस कार्य को अंजाम दें। आज गुड फ्राइडे के पावन अवसर पर क्राइस्ट स्कूल में ईसाई परिवार द्वारा रक्तदान किया गया। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई समाज परोपकार किया करता है, इसी तारतम्य में उन्होंने आज रक्तदान किया। साथ ही लोगों से अपील की कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करने से किसी भी तरह की शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है, साथ ही कोई बीमारी भी नहीं होती है। हम रीजाना परिवार की तरफ से आप सभी से अपील करते हैं कि बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें, हो सकता है आपके खून की कुछ बूंदें किसी की जान बचा लें। आज गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में हमारे ईसाई समुदाय द्वारा क्राइस्ट चर्च के समुदाय के मिलकर आज ब्लड डोनेशन की बात आया है। हर साल हम लोग देते हैं, तो हमारे यहाँ पे महिलाएं और पुरुष बराबर से ब्लड डोनेशन करा रहे हैं, जो कि जनमानस के लिए काम आ जाए। करीब 25 से 30 तो अभी तक हो चुका है और 2-3 और आने की संभावना है। मतलब हम लोग इच्छा तो है 50 तक करने के लिए, पर फिर भी जितना हो जाए कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारे समुदाय में लोग उपवास रखते हैं। मतलब ईसा मसीह की क्रूसिफिकेशन की याद में ये ब्लड डोनेशन रखा हुआ, जो कि
हमारे शासकीय चिकित्सालय में जो गरीब गर्भवती महिलाएं रह गई हैं उनके काम आ जाएगा। इसके लिए ये उसका ये योजना शुरू किया हुआ। विगत दिवस सीबीएसई की परीक्षाओं में कक्षा 10 एवं 12वीं के गणित तथा अर्थशास्त्र के पेपर लीक हो जाने के चलते अभिभावक संघ ने कल सिटी कोतवाली पहुंचकर आवेदन दिया, जिसमें लिखा गया था कि जिन लोगों ने इस पेपर को लीक किया है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे जो भी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं वे आगे से ऐसा ना करें। इसी कड़ी में आज अभिभावक गण सिटी कोतवाली पहुंचे और जानना चाहा कि उनके द्वारा दिए गए आवेदन पर क्या कार्रवाई की गई। वहीं पता लगा कि आवेदन को जांच में ले लिया गया है, साथ ही जांच होने के बाद ही मामला दर्ज किया जा सकेगा। हमने कल एक ज्ञापन दिया था, यहाँ पर एक आवेदन दिया था और इस आशय का दिया था कि सीबीएसई के जो दो पेपर 10th के और 12th के जो लीक हुए हैं उनके लीक होने से हमारे ज़िले के हमारे शहर के हज़ारों हज़ार बच्चे जो 10th में और 12th में पढ़ रहे थे उनका जीवन उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। इसलिए उनके जीवन को जिन लोगों ने प्रभावित किया है उन पर FIR दर्ज करें और प्रभावी कार्रवाई करें। इस पर अभी TI साहब ने बताया कि हमारे आवेदन को उन्होंने जांच में ले लिया है और जांच पूरी होते ही उस पर FIR होगा। गुलाबगंज क्षेत्र में एक तेज गति से चला रहे कार चालक ने कर दिया एक्सीडेंट। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग छात्र जो कि साइकिल चला रहा था वही तेज गति से आ रही अज्ञात कार ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिसके चलते उक्त छात्र को गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं इस छात्र को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है जहाँ उसका इलाज किया जा रहा है। आपसी विवाद में दो बुजुर्ग पहुंचे अस्पताल। बताया जा रहा है कि चौधरी मोहल्ला निवासी सलीम खान एवं उनके परिजनों को उन्हीं के चाचा के बच्चों ने बुरी तरह से मारा। बता दें कि सुबह जब नगरपालिका परिषद के कुछ लोग सर्वे करने के लिए चौधरी मोहल्ला में पहुंचे तब सलीम खान ने अपने घर के कागज उन्हें दिखाए। इसी बात से नाराज होकर सलीम खान के चाचा एवं उनके बेटे ने उनसे झगड़ना शुरू कर दिया, साथ ही कहने लगे कि तुम मनमाने तरीके से सर्वे करा रहे हो। सलीम खान के चाचा बाबू खान और उनके परिजनों ने सलीम खान एवं उनके भाई और साथ ही उनकी पत्नी और बेटी के साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी, जिसके चलते उन्हें कई चोटें आई हैं। इन चोटों के चलते उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर धारा 341, 323, 294, 506, 34 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर लिया है। साहब मैं सहयोग हॉस्पिटल से आ रहा था एक बच्चे को भोपाल शिफ्ट करके। मैं ऐसे अस्पताल के सहयोग में काम करता हूँ, तो मैं जब घर पे आ रहा था तो मुझे मेरे छोटे भाई जरीन ने बताया कि मकानों का सर्वे हो रहा है, तो मैं अपने मकान का नामांतरण और इसकी जो रसीदें हैं हाउस टैक्स की वो लेके सर्वे वालों को बता रहा था। मैं तो भाई ये हमारा मकान है और ये इसकी रसीदें हैं और ये नामांतरण है, तो इस बात को लेके वो हमारे परिवार के लोग हैं तो वो हमारे हमको गाली का लॉन्च करने लगे। तो मैं तो केवल जो नगर पालिका के कर्मचारी आए थे उनसे ही बात कर रहा था, मैं उनसे कोई बात नहीं कर रहा था। तो हम पे अनावश्यक दबाव बनाया, उनने गाली का लॉन्च की हम पे, तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला और वो लोगों ने आके कम से कम 8-10 लोग थे और सब लोगों ने आके हमारे हमको मारना पीटना चालू कर दिया। मेरे को लाते घुसे मारे, सिर में डंडा मारा, अभी भी मेरे को चक्कर आ रहे हैं। और मेरे भाई को लाते घुसे मारे, मेरी गर्दन दबा दी, मेरी गर्दन अभी भी दुख रही है, गर्दन पे मेरे निशान है ये उंगलियों के, ये देखो। आपके परिवार के कौन लोग हैं वो? आपके हमारे परिवार के चाचा की लड़की लगती है वो, और मेरे मुझे बहुत मारा उनने। तो उन दोनों के आप दोनों के विवाद क्या रहा? विवाद नहीं, हमारा मकान है
तो वो लोग कब्जा किए हुए हैं बरसों से। हमारा नामांतरण है, मेरे पहले मेरी माँ के नाम था, अब हम लोगों के नाम हो गए नामांतरण। हमारी माँ इसका टैक्स जमा कर दी थी, अब हम करते हैं। मकान हमारा है, बस वो हम पे दबाव बना के चाहती हैं कि जी किसी तरह से हम इन पे दबाव बन जाए। और 3 साल पहले भी इन्होंने हम पे झूठा झूठ का केस दर्ज कराने की कोशिश की थी ताकि जी हमारे दबाव में आ जाए। SC ST के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ आज SC ST समाज हुआ लामबंद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC ST मामले में जांच के उपरांत ही केस दर्ज करने की बात कही गई, जिसके विरोध में आज SC ST समाज के कई लोग हुए लामबंद। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर SC ST की कायमी कराना चाहेगा तो उसके लिए पहले जाँच की जाएगी, जाँच होने के उपरांत ही उस व्यक्ति के ऊपर कोई कायमी की जाएगी। इसके विरोध में आज SC ST समाज के लोग लामबंद हो गए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सही से इस केस में पैरवी नहीं की, जिसके चलते माननीय न्यायालय ने गलत फैसला दिया। वहीं न्यायालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हेतु आगामी दिनों में वह देश एवं शहर बंद का भी आह्वान करेंगे, जिसकी प्रमुख बैठक 2 अप्रैल को की जाएगी। तारीख को 2 अप्रैल को गोलाबंद में हम शांतिपूर्वक सहयोग करना चाह रहे हैं, जिसमें माननीय न्यायालय ने जो SC ST के विरोध में जो निर्णय लिया है वो सरकार ने सही तरीके से पैरवी नहीं की है उसकी। इसके सरकार के विरोध में हम 2 तारीख को गोलानगर बंद शांतिपूर्वक करने का हमने निर्णय लिया है। तो क्या आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि जो SC ST में माननीय न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वो SC ST के उसमें नहीं है, उचित नहीं है, सरकार ने सही तरीके से पैरवी नहीं की उसकी। इसलिए हम ये भारत बंद के चुनाव बंद करके हम ये ज्ञापन देना चाहते हैं माननीय राष्ट्रपति जी को कि ये निर्णय ली गया है, इसको बदलाव किया जाए, इसमें पुनः विचार किया जाए। कब करेंगे आप? मेरा नाम मूलचंद गौतम। कब कार्यक्रम है गुलाबंद? 2 तारीख को सुबह 10 बजे अम्बेडकर भवन पर हम सभी एकत्रित होंगे, वहाँ जिले भर के लोग। गर्मियों के शुरू होते ही शहर के समाज सेवी सुनील जैन को आई पक्षियों की याद, साथ ही उन्हें पानी पिलाने एवं दाना खिलाने के लिए उन्होंने निशुल्क बांटे मिट्टी के पात्र। विगत 15 वर्षों से समाज सेवी सुनील जैन पक्षियों की सेवा के लिए मिट्टी के पात्र निशुल्क उपलब्ध कराते हैं। वे अभी तक हजारों की संख्या में मिट्टी के पात्र निशुल्क बांट चुके हैं। वहीं सुनील जैन ने सभी से अपील की है कि गर्मियों के चलते अपनी छतों पर कम से कम थोड़ा सा पानी और थोड़ा दाना चिड़ियों के लिए रख दें, जिससे वे प्यास से मर ना जाए। पिछले 15 साल से बांट रही है, 400-500 पीस हर साल बांटते हैं पक्षियों के पानी पिलाने के लिए, जिसमें दाने का साधन भी है, लोग अलग भी डालते हैं और फ्री बांटते हैं। अश्वमेघ यज्ञ की 25वीं वर्षगांठ पर गायत्री शक्तिपीठ मना रहा है रजत जयंती पर्व। बता दें कि 1993 में गायत्री शक्तिपीठ द्वारा बड़े स्तर पर गुना में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया था। इसी की 25वीं वर्षगांठ के रूप में रजत जयंती पर्व मनाया जा रहा है, जो कि 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक मनाया जाएगा। वहीं इसी के चलते तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। इस कार्यक्रम में एक भव्य कलश यात्रा के साथ साथ 108 कुंडी यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा, साथ ही लोगों को नशे से दूर रखने एवं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इन सभी की तैयारियां गायत्री मंदिर में चल रही हैं। अप्रैल 1993 में अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसके 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसकी रजत जयंती 3 अप्रैल से 6 अप्रैल तक मनाई जा रही है। 3 अप्रैल को कलश यात्रा, विशाल स्तर पर तैयारियां, लगभग 7-8 झांकियां हैं, 108 कुंडीय यज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के संत और टोलियां आ रही हैं। यहाँ का हर कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर तैयार है और काम लगभग जो है हमारा पूर्णता की ओर पहुँच गया है। 108 कुंडी यज्ञ को 1008 कलश बनकर के तैयार हैं। 108 कुंडी यज्ञ की सामग्रियां तैयार हो रही हैं, उधर कुंड तैयार हो रहे हैं,
यहाँ पर गांव गांव लगभग 51 गांव में प्रचार किया जा चुका है और शेष गांव में हमारे भाई बहन जा रहे हैं और बहनें खासतौर से हमारे गुना में मोहल्ले मोहल्ले में जाकर संदेश दे रही हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं। जिन्हें अभी तक सूचना नहीं मिली उनको हम गायत्री परिवार की ओर से आमंत्रित करते हैं, जोड़े से या अकेले 4 अप्रैल की विशेष पूजन सुबह 7 बजे पधारने की मेहरबानी करें। और हिंदू युवा वाहिनी ने हनुमान प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला चल समारोह। चाचोड़ा तहसील के बीनागंज नगर में हनुमान जन्मोत्सव के एक दिन पूर्व हिंदू युवा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद के तत्वावधान में विशाल शोभा यात्रा डीजे एवं बैंड बाजों के साथ निकाली गई। इस शोभा यात्रा का शुभारम्भ रामानंद आश्रम में प्रारंभ हुआ जो नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निकाला गया। इस यात्रा में सभी हिंदू भाई भगवान श्री राम के भजनों पर झूमते थिरकते नजर आए। इस शोभा यात्रा का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, साथ ही नामदेव समाज के युवाओं ने यहां पर ठंडाई पिलाकर एवं भगवान श्री राम की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर स्वागत किया। चाचोड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। डीजाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। हनुमान जी के प्रकट उत्सव पर प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान की मशहूर भजन गायिका शहनाज अख्तर अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम 31 मार्च 2018 शनिवार को रात्रि 8 बजे से बूढ़े बालाजी मंदिर के पास शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक हैं सुनील मालवीय एवं मित्र मंडल विधानसभा क्षेत्र गुना। सुनील मालवीय ने सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान करें।